तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और इस वीडियो में हमने वापस करा विनर विनर चिकन डिनर, तो वो देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। और इस भी और मैंने दो तीन दिन वीडियो लिया लिस्ट के लिए, सॉरी। और अभी हम फिलहाल उतर रहे थे मिलिट्री बेस, तो यहाँ पे मैंने लूट वूट पूरी करी और हम आगे जाते बंदों को हंट करने। और यहाँ पे मेरे साथ खेल रहे थे ब्लैक होल भैया, जो तो हो गए थे, मतलब हो गए थे ऑफलाइन। तो हम दो रैंडम बंदे और मैं खेला, हाँ। तो इनको तो मार दिए इन्होंने, तो इनको हमने फिनिश करा और इनकी बेहतरीन लूट हमारे नाम होते हुए। उसके बाद यहाँ से बंदो, और यहाँ पे आप इस वीडियो को यहाँ से आप देखना जानती है। अब क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को बस एक्सप्लेन कर देना कमेंट में। यहाँ पे इस बंदे को मेरे टीममेट ने मार दिया, रैंडम शहर से खेल रहा था, तो इस टीममेट इसको तो मार दिया। उसके बाद मैं इधर आता हूँ थोड़ी एमओ लेने ए टी एम की, तो मेरे को थोड़ी एमओ मिल जाती है। उसके बाद मेरा टीम में थोड़ा सतर्क था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों जाम हो गया मेरा जॉयस्टिक, तो वो बंदा को उधर दिख गया जिसको मेरे टीममेट ने बजा दिया। अब ये आगे मेरे को रैप देने लगा और इजीली मेरे टीममेट को, मतलब मेरे टीममेट ने मुझे रैप दे दिया। तो उसके बाद क्या होता है, इजीली हम सब मेरे को रैप मिल जाता है। फिर मैं जाता हूँ इन सबको लूटने, पेन किलर वेन किलर हेल्थ वेल्थ है नहीं मेरे पे, एक पेन किलर लगा के मैं इन सबको लूटने जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप स्क्वाड में खेल रहे हो ना, तो लूट तो मिलती है ना के बराबर आपको। यहाँ पे हमें मिल जाती है हमारी सारल प्लस डीपी, तो यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया मिलते हैं जिन्हें हम मार देते हैं इजीली। और यहाँ पे एक स्नाइपर बंदा मिलता है, वो भी क्या ही तगड़ा। पहले तो उसने खतरनाक फायर करा जिससे हमें यहाँ पे आके रोक लिया। मेरे को लगा पहाड़ों पे बंदे होंगे, तो मैं थोड़ा इधर सतर्क हो गया था। लेकिन 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 मुझे क्या पता था वो कुछ नहीं कर रहा, आगे बंदा। मेरा टीममेट उस पर ध्यान दे रहा था और मैंने देखा दोनों पे पीट करना सही नहीं है, क्योंकि उसके पास कार 98 थी और मैं पता नहीं क्या ही कर रहा था इससे, और मेरे को धल लिया उसने। अभी मेरे टीममेट ने मुझे रैप दे दी और पता नहीं मेरे को कवर से कहाँ से पड़ गई है। अभी यहाँ पे मुझे अब एक और पड़ी, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। मैं पूरा कवर में हूँ आप देख सकते हो, और तभी मुझे पड़ रही है। नहीं, कहाँ से पड़ रही है मेरे को कमेंट में बता देना यदि कोई देख रहा हो तो। और मेरा टीममेट को धर लेता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने इधर करा एक स्मोक, क्योंकि भाई साहब ये क्या ही स्नाइपिंग कर रहा था, मतलब इतना साइड दिखते हम नॉक कर देते, डायनामो से भी ऊपर से स्नाइपिंग कर रहा था ये। तो अब मैं जाता हूँ अपने टीममेट को रैप देने यहाँ पे। अभी यहाँ पे फुल कवर है, अब बता देना यदि मुझे कैसे पड़ती है तो कैसे पड़ती है। अभी मुझे यहाँ से मिल जाए, इसको मैंने अपने टीममेट को दे दिया रैप। फिर मैंने कहा इससे तो कर लिया मैंने, स्नाइपिंग तो हो गई मुझसे इसके सामने, और कोई स्कोप और वो नहीं थे उस पर, था कोई ढंग का स्मोक बोल रहे स्कोप, यार बहुत गलती हो रही है आजकल। तो यहाँ पे मैंने टीममेट को मार कर लिया कि वहाँ पे बंदा है, और वैसे भी उसको पता था। और यहाँ पे मेरी बेवकूफ़ी देखना आप, बस देखना, बस देखना। अभी भी मेरा टीममेट नीचे कूदा था, मुझे नहीं पता क्यों कूदा था, क्यों माइक ऑफ था मेरा और स्पीकर भी, मैं भी कूद गया, वो गलती से नीचे कूद गया था, मेरे को ध्यान नहीं पड़ा मैं कूद गया रहेगा, वो फ्लाइन कर रहा है। लेकिन अब आ गए हम जैसे तैसे ऊपर वापस विदाउट कोई प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपनी गाड़ी का कवर लेने, और मैं अपनी हील करने लगता हूँ। और मेरे टीम और उस बंदे ने पूरी गाड़ी पंचर करी है यहाँ पे, तो अब मेरे पास तो स्नाइपर हो मुझे कैसे पड़ रही है मेरे को। अब यहाँ पे मैं कवर में कैसे पड़ गई मेरे, मुझे इस बंदे पे थोड़ा शक होने लगा है। लेकिन नहीं यार, आज का दिन मेरे लिए अच्छा था, तो मैंने इसको कुछ बुरा भला नहीं बोला, और मेरे टीममेट ने बता दिया उसको, तो मैंने उसको जल्दी बुलाया कि आधा आधा लूटने चलते हैं, क्योंकि लूटना हमारा पबजी में पहला धर्म है, जिसको हमें दिमाना पड़ता है, वरना पबजी देवता गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होते तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसी धर्म को निभाते निभाते हमारा टीममेट शहीद हो जाता है, तो हम उस टीममेट को वापस उठाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस टीममेट को उठाते हैं कुछ नहीं होता, क्योंकि हम आगे लूटने जाते हैं।
तो यहाँ पे मेरे टीममेट को रैब मिल जाता है। अरे पता नहीं क्या होता है यार मेरे साथ, अब ये उल्टा फुलटा हो गया मेरा फ़ोन, तो ये सीधा हुआ। उसके बाद मैं गया उसको लूटने, उसकी कार 98 उठाने, प्लस उसके पास दो स्कोप थे वो भी, तो यहाँ पे सही गजब लूट थी। तो ये सब लूट लूटने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से गेम प्ले को ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो घर है ना, ये हमारा एंड तक साथ देगा। पहले घर वर खुलेंगे तो वही कलर बंद होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा था नहीं क्योंकि मेरा टीम मेट इजीली ऊपर आ गया था। तो अभी मैं इधर उधर थोड़ा टहलने वहलने लगा, थोड़ा लूटने लगा, अचानक अब मैं इधर बहुत देर तक स्काउट करा, उसके बाद मैं बंदों को देखने लगा, उससे में मेरे को साइड से पड़ी, तो मैं आ गया थोड़ा कवर में। भाई की क्या पता बंदे के पास कौन सा कहाँ से एंगल मार रहा है, कुछ पता नहीं है, बस एक डायरेक्शन पता है कि बंदा इस तरफ से मार रहा है। तो मैं थोड़ा इधर आ गया क्योंकि इधर मुझे एक अच्छा कवर मिल रहा था, प्लस एक अच्छा एंगल भी मिल रहा था। तो मैं यहाँ आता हूँ, और मुझे लगा ये ब्लू वाला घर है ना ऊपर ही लंबा सा, इधर मार इससे मारो क्योंकि गेट भी खुले थे, लेकिन उधर थोड़ा बहुत देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा। और यहाँ पे मैं बहुत देर तक दिखता हूँ, और यहाँ पे मुझे बग्गी की गाड़ी दिखती है, बग्गी क्या बोल रहा हूँ मैं, बग्गी दिखती है। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, हाँ उसके बाद मैं इधर उधर टहल रहा होता हूँ, क्योंकि अब मुझे एक भी पैर नहीं पड़ा था, तो मैं थोड़ा हल्का हो जाता हूँ, लेकिन इतना ही हल्का नहीं होता हूँ। तो बहुत स्काउट करने के बाद मुझे कोई नहीं दिखता, तो यहाँ पे बहुत बहुत खतरनाक पड़ती है मुझे। और तो मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले हार्पनिक फर्स्ट एड लगा था, क्योंकि भाग, और बीच में मैं बहुत क्विकली काट रहा हूँ, क्योंकि बहुत नहीं, अभी एक बार मैंने गलती से यार एडिटिंग हो गई, वो आपको बाद में बता दूंगा। और मैं यहाँ पे अभी आकर सो गया था, क्योंकि भाई साहब यदि मैं एक बार भी नॉक हो गया ना, तो ये खतरा मेरे टीममेट पे आ रहा था कि वो लोगों ने अभी रेस्ट कर दिया ना, तो जो इतना अच्छा जो इतनी इंटेंस गेम से चल रहा ना, वो हो जाएगा यार ख़राब, तो ये नहीं कर रहा। और पबजी वालों ने क्या ही साथ दिया था मेरा। अभी यहाँ पे एक बंदे को मारा था बहुत तगड़ा, लेकिन यार मैं दिखा नहीं पाया, माफ़ करना उसे भी। और यहाँ पे कोई आया था मतलब खुद तक सारे थे बहुत तगड़े, तो मेरा टीम में जो नहीं गया था वो पता नहीं कहीं और भी नहीं था। तो अब ये यहाँ से पड़ गई मुझे, अब मेरे को अब टीम में के ऊपर था सब कुछ, क्योंकि अब टीम में इतने कर भी दिया या शायद नहीं, मेरा टीममेट के ऊपर था क्योंकि अब कम हो गया था नॉक, और मेरी टीममेट ने काम कर भी दिया, नॉक कर दिया उसको, तो अब वो फटाफट ऊपर आया और मुझे इजीली एक रैव दे दिया। इजीली तो नहीं कहूँगा, मतलब बहुत मुश्किल से रैव हुआ था मैं इस बार इधर, और मुझे यहाँ पे डर लग रहा था कि भाई यहाँ पे ये वो ना हो जाए नॉक वॉक, तो मैं थोड़ा इधर आ गया। जैसे मुझे पता था ये बहुत गलत डिसीजन है, बट फिर भी तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और मुझे मिल जाता है रैंक, तो मैं लगा तो जल्दी से फर्स्ट एड, तो मैंने सबसे पहले जल्दी से एक फर्स्ट एड मारी। तो जल्दी से एक फर्स्ट एड मारने के बाद मैं जाता हूँ उस नीचे वाले डब्बे को लूटते, क्योंकि मेरे को चाहिए था यार बहुत कुछ, मेरे फीलिंग ख़त्म हो गए थे, थोड़ी एमओ भी चाहिए थी, तो सब कुछ मिल गई। उसके बाद ये लास्ट जोन होता है और यहाँ पे पेड़ पे बंदा रहता है, तो मैं फिर जाता हूँ। मैंने उधर एक मॉली डाल दिया था, उसके बाद देखो मॉली से तो उसको कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, और मेरा टीममेट फ्लैंक कर चुका था, तो अब मुझे उसकी हेल्प करने के लिए कुछ तो करना था। तो मैंने क्या सोचा कि मैं ये जो पत्थर है ना इधर तक जाऊँगा, और मैंने वो दूसरी का स्मोक उस टीममेट को मतलब उसको कंफ्यूज करने के लिए करा था, और मैं फिर गया पीछे वाले रास्ते से और गाड़ी लेके गया, क्योंकि गाड़ी भाई साहब बहुत काम आती है लास्ट जोन में, हमेशा गाड़ी अपने साथ रखनी चाहिए लास्ट जोन में। अभी यहाँ पे दो बंदे बच रहे थे, अभी यहाँ पे मेरे टीममेट के ऊपर नेड की बारिश हो रही थी और वो घास में लेटा हुआ था, यहाँ पे लेटी लेटी गेंद चल रहा था, और मेरे टीममेट ने उसको चिटका दिया। अब हम डरने वाले तो मेरे थे नहीं, तो मैं घुस गया सीधा और मेरे टीममेट ने उसको दोनों को चटका दिया। तो सही बताऊँ ना, तो यहाँ पे मैं मेरे टीममेट की वजह से जीता हूँ, तो लिख देना ऐसे स्मोकिंग ये वाला जो भी नाम है ऐसे रैंडम टीममेट ही लिख देना, ठीक है। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
हो, कट जा यार मैं तो।